हेलो गाइज, आप सभी का वेलकम है क्लोज के टॉपिक में। क्लोजेस को लेकर के आप लोग चाहते थे कि वीडियो बनाई जाए, तो देखिएगा सबसे पहले बात करें तो क्लोज होता क्या है। तो क्लोज की बात की जाए तो देखिएगा, ए क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, मेक कंप्लीट सेंस एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए लार्जर सेंटेंस। ये कहने का मतलब ये कि शब्दों का समूह है जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है। यानी कि एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट माने जाते हैं जिसमें हम लोग वर्ब लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, एटसेट्रा जो लेते हैं, वो प्रेडिकेट माना जाता है, राइट गाइज। क्योंकि एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो एक ऐसा शब्दों का समूह है जिसका अपना सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, ठीक है, और जो कंप्लीट सेंस बनाता हो, क्या कहलाता है, क्लोज कहलाता है। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो काइंड्स ऑफ क्लोजेज की बात करते हैं। काइंड्स ऑफ क्लोजेज में देखिएगा, नाउन क्लोजेज होते हैं, एडजेक्टिव क्लोजेज होते हैं, एडवर्ब क्लोज होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्लोजेज को देखते हैं। तो सबसे पहले नाउन क्लोज की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो नाउन क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ ए नाउन। यानी कि अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है, और ये किसकी तरह कार्य करता है, यानी कि ये नाउन की तरह काम करता है, वो क्या कहलाते हैं, नाउन क्लोज कहलाते हैं, ठीक है गाइज। वो क्या कहलाएंगे, नाउन क्लोज कह जाएंगे। और नाउन क्लोज कैन हैव सर्वल फंक्शन इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो नाउन क्लोज अलग अलग रूपों में काम करता है, जैसे द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में भी काम करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में भी ये काम करता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब के रूप में काम करता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन के रूप में भी ये काम करता है। इसके अलावा इन एपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन के रूप में भी ये काम करता है, और नॉमिनेटिव एड्रेस के रूप में भी ये काम करता है। तो देखिएगा अलग अलग तरीके से फंक्शन हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें तो ये सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में बात करता है, जैसे वॉट ही सैड इज फॉल्स, ठीक है, वॉट ही सैड इज फॉल्स। यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में काम कर रहा है, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में भी ये काम करता है, ठीक है। जैसे दे डोंट रिमेम्बर वॉट आई सेड, ओके। तो कहने का मतलब इस तरीके से यूज होता है। और इसके अलावा बात करें तो एडजेक्टिव जो क्लोज होता है, तो एडजेक्टिव क्लोज की भी वही डेफिनेशंस निकल करके आती है कि वही होता है जैसा कि एडजेक्टिव क्लोज की, अगर हम लोग जैसा नाउन की देख रहे थे उसी तरीके से इसमें भी हम लोग कह सकते हैं, एडजेक्टिव क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। नाउन में नाउन की तरह काम कर रहा था, एडजेक्टिव में एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, राइट गाइज। बात वही है सिंपल सी, इसका भी अपना सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा, राइट गाइज। तो एडजेक्टिव की भी बात करें तो ये अलग अलग रूपों में हो सकता है, ठीक है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में ये हु, विच, दैट, बट, एज को इंडिकेट करता है। अगर बात करें तो इंट्रोडक्टरी रिलेटिव एडवर्ब की बात यहाँ पर देखिएगा, बात करें यहाँ पे एडजेक्टिव की बात कर रहे थे तो इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, बट, एज इत्यादि के रूप में काम करता है, ठीक है गाइज। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ओमिस इंट्रोडक्टरी ऑफ द रिलेटिव एडवर्ब्स वेयर, व्हेन, व्हाई के रूप में भी काम करता है। अब बात करते हैं द एडवर्ब क्लोज के लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा, या तो नाउन क्लोजेस को लेकर के क्वेश्चंस होते हैं, एडवर्ब क्लोज को लेकर के। तो यहाँ पे बात करें तो एडवर्ब क्लोज एज वी हैव सीन डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, हेंस इट कैन मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझना होगा एडवर्ब की बात को, कि परिभाषा जो है वो समझना बेहद जरूरी होता है। तो एडवर्ब क्लोज क्या होता है, इट कैन मॉडिफाई ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, ओके। तो हम लोग अगर यहाँ पे बात करें एडवर्ब ऑफ क्लोज की, तो ये बहुत कहने का मतलब अलग तरीके से हम लोग इनको डिवाइड कर सकते हैं। लाइक द क्लोज के बारे में करें तो क्लोज ऑफ टाइम को लेकर के हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लाइक व्हेन, व्हेन एवर, बिफोर, आफ्टर, एज, सिंस, एटसेट्रा। जबकि एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस की बात करें, प्लेस का मतलब जो स्थान को इंडिकेट कर रहा है उसके बारे में, फॉर लाइक द वेहर, वेहर इवर, ठीक है, वेंस, एटसेट्रा। एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर के रूप में भी यूज होता है, तो इसमें हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर हम लोग बात कर सकते हैं, एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर्स आंसर द क्वेश्चन हाउ, किसका जवाब देता है, ये हाउ का देता है, कौन से वाला, एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स, ठीक है। और डिग्री और कंपेरिजन वाले की बात करें तो हम लोग यूज करते हैं एज, एज, शो एज, देन, एटसेट्रा। इसके अलावा इसमें पर्पज या रिजल्ट को भी इंडिकेट करता है, कंडीशंस को लेकर के भी करता है, ठीक है। तो कंडीशन वाले में जैसे अपन लोग इफ इत्यादि का यूज करते ही हैं,
टेप का यूज करते हैं, अनलेस का यूज करते हैं, वेदर का यूज करते हैं, प्रोवाइडेड एटसेट्रा हम लोग काम में लेते हैं। तो गाइज ये क्लोजेस का पार्ट बहुत ईजी है और इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।